ओम शांति। आज है 18 अगस्त 2021। मुरली का सार, मीठे बच्चे, पर चिंतन छोड़, अपना कल्याण करो। तुम सोने जैसा बनकर औरों को रास्ता बताओ। प्रश्न: अशरीरी बनने का अभ्यास जो सदा करते रहते, उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। उत्तर: वे हट से अपनी कर्मेंद्रियों को वश नहीं करते, लेकिन उनकी कर्मेंद्रियां स्वतः शीतल हो जाती हैं। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह स्मृति स्वतः रहती है। देह अभिमान छूटता जाता है, नाम रूप का नशा खत्म होता जाता है, दूसरों की याद नहीं आती है। धारणा के लिए मुख्य सार: पहला, निश्चय बुद्धि बन जीते जी इस पुरानी दुनिया से अपना लंगर उठा लेना है। बाप के हर फरमान को पालन कर अपना कल्याण करना है। दूसरा, दूसरों का चिंतन छोड़ अपनी बुद्धि को स्वच्छ सोने जैसा बनाना है। झरमुई जगमुई में अपना समय नष्ट नहीं करना है। योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को शांत शीतल बनाना है। वरदान: मेहमानपन की वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को श्रेष्ठ, स्टेज को ऊंचा बनाने वाले सदा उपराम भव। जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं, वे अपने देह रूपी मकान से भी निर्मोही हो जाते हैं। मेहमान का अपना कुछ नहीं होता, कार्य में सब वस्तुएं लगाएंगे, लेकिन अपनेपन का भाव नहीं होगा। वे सब साधनों को अपनाते हुए भी जितना न्यारे उतना बाप के प्यारे रहते हैं। देह देह के संबंध और वैभवों से सहज उपराम हो जाते हैं। जितना मेहमानपन की वृत्ति रहती, उतनी प्रवृत्ति श्रेष्ठ और स्टेज ऊंची रहती है। स्लोगन: अपने स्वभाव को निर्मल बना दो तो हर कदम में सफलता समाई हुई है। ओम शांति।